अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो गाजर का हलवा तो मैंने आपको काफ़ी बार बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन आज मैं बना रही हूं गाजर की बर्फी। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आज आपको गाजर की बर्फी बनाना सिखाऊंगी, तो आप इस वीडियो को गौर से देखें। तो गाजर की बर्फी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, गाजर लेंगे ग्रेट की हुई आधा किलो, 1 लीटर दूध लेंगे, खोया लेंगे हम 1/2 कप। खोए की रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप सर्च करो खोया बाय किचन विद आमना तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। चीनी लेंगे हम 1 कप भर के, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 1 कप भर के चीनी ली है। घी लेंगे हम 2 टेबल स्पून भर के, पिस्ते लेंगे हम 2 टेबल स्पून कटे हुए, बादाम लेंगे हम कटे हुए 2 टेबल स्पून और सब्ज इलायची पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। तो ये चीज़ें चाहिए हमें सिंपल सी गाजर की बर्फी बनाने के लिए। तो अब हम रेडी करते हैं, एक बर्तन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम दूध डाल देंगे। फ्लेम हाई रखेंगे और दूध में हल्का सा बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए दूध हमारा हल्का गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पे बॉयल आ जाएगा तो हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे पकाएंगे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया, अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे। फ्लेम को मीडियम हमने कर दिया, अब इसे हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। दस मिनट हो चुके हैं, तो ये देखें तो ये सारा साइडों से हम उतार लेंगे। तो ये देखिए दूध हमारा थोड़ा थोड़ा सा रह गया, बाकी का सूख गया। अब इसमें हम डाल देंगे, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और इसमें डाल देंगे चीनी, मिक्स करेंगे। साथ इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, मिक्स करेंगे। तो ये देखिए चीनी का जो शीरा है ना, इसने पानी छोड़ा है, अब इसे हमने ड्राई करना है। इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे और साथ साथ चम्मच भी हम चलाते जाएंगे। तो ये देखिए चीनी डाल के हमने इसे पकाया है तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और ये देखिए चीनी का जो शीरा है वो भी सूख गया। और अब हम इसमें डाल देंगे खोया, मिक्स करेंगे डाल के। और इसमें जाएंगे पिस्ते और बादाम, और थोड़े से हम गार्निश के लिए बचा देंगे, और ये बादाम। मिक्स करेंगे, देखिए तब तक पकाना है जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे घी, मिक्स करेंगे और अच्छे से इसकी हमने भुनाई करनी है। 5 मिनट तक हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए हमने इसकी इतनी भुनाई की है, ये पैन छोड़ रहा है आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक बेकिंग ट्रे में डाल देंगे जिसमें ये जम जाएगी। एक बेकिंग ट्रे ली है जिसमें हमने बर्फी को जमाना है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल से ये होगा जो बर्फी होगी वो हमारी अच्छे से बाहर निकल आएगी, मतलब जल्दी से बाहर निकल आएगी, जमेंगे नहीं। अगर आप घी लगाओगे तो घी भी जम जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर ऑयल लगा रही हूँ। और अब इस पे हम ये बर्फी डाल देंगे और इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए सारा हमने सेट कर लिया, अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटे हुए बादाम जो हमने बचा के रखे हुए थे।
ये सिंपल गाजर की बर्फी है, एक खोए वाली भी होती है जिसके ऊपर खोए की लेयर लगाई जाती है। तो मैंने आपको सिंपल बनाना सिखाई है। बच्चे में पिस्ते, तो हमने इस बर्फी को पूरा नहीं फैलाया बेकिंग ट्रे पे, हमने इसको आधा आधा रखा है क्योंकि हमें थोड़ी मोटी बर्फी चाहिए थी। तो ये हमने सेट कर ली, अब इसे हम फ्रिज में रख दें या ऐसे ही पड़ी रहने दें 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में ये सेट हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी। वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो ये बाहर ही सेट हो जाएगी। 1 घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बर्फी हमारी 1 घंटे के बाद सेट हो चुकी है, अब इसे हम काट के इस ट्रे में रखते जाएंगे। तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़े की गाजर की बर्फी। वैसे भी गाजरों का सीज़न है तो आप इस बर्फी को घर में ज़रूर ट्राई करें और इन्जॉय करें। और 2 हफ्ते के लिए आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये इजी सी गाजर की बर्फी की रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, और इस बटन पे क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस बटन पे क्लिक करके लाइफ विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ वाले बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।